तो क्या रोमन रेंस की ट्राइबल चीफ वाली गिमिक जा रही है उनकी यूनिवर्सल और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ में। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर बात करूं हमारे ट्राइबल चीफ दी हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के बारे में, भाई साहब ये ऐसे गिमिक बन चुकी थी रिसेंट टाइम में जो कि हील होने के बावजूद भी बंदों के अंदर बेबी फेस की तरह वर्क कर रही थी। रिसेंट टाइम में एक लंबा चौड़ा टाइम हो चुका है रोमन रेंस को इस कैरेक्टर के अंदर क्लैश ऑफ द कैसल में फेस करने वाले ड्रू मैकइंटायर का। लेकिन रिसेंट टाइम में जो रिपोर्ट आई है सामने उसके अकॉर्डिंग रोमन रेंस चैंपियनशिप नहीं आ रही है बल्कि उनकी ट्राइबल चीफ गिमिक भी जाएगी और बिग डॉग वाले गिमिक आने वाली है वापस। आईएनएस वाली न्यूज़ को सुनके काफी लोग अपसेट होने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अच्छा मैंने ये चीज भी नोटिस किया कि WWE रीसेंट टाइम में काफी बार में बता रही भैया ट्राइबल चीफ के टॉप 10 मूवमेंट्स ही हैं रोमन रेंस ने, ये कारनामे किए अपनी पूरी ट्राइबल चीफ वाले एरा के टाइम पे। और होता है कि जो WWE वाले रीसेंट टाइम में अपने ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर भी एक वीडियो क्लिप शेयर करते हुए नजर आते हैं बस आज से कुछ घंटे पहले, जिसका टाइटल होता है रोमन रेंस ट्राइबल चीफ मूवमेंट #WWE टॉप 10, यानी कि जो टॉप 10 मूवमेंट्स है रोमन रेंस के पूरे ट्राइबल चीफ वाले गेम के WWE यहां पर दिखाते हुए नजर आती है। अच्छा इस वाली वीडियो को देखिए, रीसेंट टाइम में WWE जिस तरीके से अपने सोशल मीडिया के ऊपर लगातार शेयर कर रही है ना कि रोमन का टॉप मूवमेंट ये है, रोमन ऐसे थे, रोमन वैसे थे, उसे देख के मुझे अजीब से फील हो रहा था कि भाई लग ऐसा रहा है कि ट्राइबल चीफ वाले गेम कहीं ना कहीं जाती हुई नजर आ रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ मैंने नहीं बल्कि और भी काफी सारे लोगों ने ऑब्जर्व किए रीसेंट टाइम में ट्विटर के ऊपर भी, और जो रीसेंट टाइम में ज़ारो न्यूज़ है सेम ये चीज रिपोर्ट करता हुआ नजर आता है, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। वो कहते हैं ऑब्जर्वेशन है सिर्फ मेरी, यहां पर कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन WWE लगातार बेस्ट मोमेंट दिखा रही ट्राइबल चीफ गिमिक के, तो उनके दिमाग में यही चीज आ रही है कि शायद जो WWE वाले हैं वो ट्राइबल चीफ गिमिक को एंड करते हुए नजर आएंगे जैसे रोमन रेंज अपनी चैंपियनशिप ड्रॉप करने वाले हैं। अब देखो यहां जो शक है मेरा यहीं तक नहीं रुका है, बल्कि आपको याद होगा रिसेंट टाइम में फिंड की एक लाइव इवेंट की वीडियो आई थी सामने, तो बताया जा रहा है रिसेंटली कुछ लाइव इवेंट से WWE यही वाली जो वीडियो है वो फैंस को वहां भी दिखाते हुए नजर आ रही है, टॉप 10 मोमेंट्स ऑफ रोमन रेंज एज ट्राइबल चीफ, जो कि भाई थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप से कि WWE को अचानक से रोमन रेंज के टॉप 10 मोमेंट्स क्यों दिखाने पड़ गए। हमने देखा रिसेंट टाइम में रोमन रेंज ने मेरे हिसाब से 2 साल कंप्लीट कर लिए और मेरे हिसाब से आज रोमन और पॉल अवन के अलायंस को भी 2 साल के अराउंड हो चुके, जो कि काफी ज्यादा बड़ा यू नो नंबर है। मुझे 2 साल कब बीत गए पता नहीं लगा, जब रोमन रेंज हमारे चैंपियन थे या फिर जो रोमन रेंज है उन्होंने भाई पॉल अवन के साथ में अपना अलायंस बनाया था, जो कि काफी बड़ी चीज जरूर है। लेकिन हाँ एक बड़ा हिंट है, साथ ही में जो ज़ारो न्यूज़ इस बात को भी रिपोर्ट करता हुआ नजर आता है कि WWE के जो प्लान है वो कुछ इस तरीके से हैं कि जैसे ही रोमन रेंज अपनी चैंपियनशिप को ड्रॉप करने वाले ट्राइबल चीफ वाली जो गिमिक है वो भी ड्रॉप होती हुई नजर आएगी, क्योंकि शुरुआत से प्लान ये थे ट्राइबल चीफ गिमिक सिर्फ तभी तक एग्जिस्ट करेगी जब तक रोमन रेंस के पास बेल्ट्स यानी कि चैंपियनशिप्स रहने वाली है। क्लैश ऑफ द कैसल एक हाई प्लेस मानी जा रही है जहां पर जो रोमन रेंस है वो अपनी चैंपियनशिप को हमें हारते हुए नजर आएंगे, विच इनडायरेक्टली मीन्स कि रोमन रेंस अगर एक टाइटल हारते हैं क्लैश ऑफ द कैसल के अंदर अब वहां से शुरुआत मान सकते हो बिग डॉग की रिटर्न की। धीरे धीरे करके जैसे रोमन दूसरी टाइटल हारेंगे या फिर अगर रोमन दोनों टाइटल क्लैश ऑफ द कैसल में हार जाते हैं, जब भी रोमन टाइटल हारते हैं आप ये मान सकते हो उसके कुछ महीने बाद उसके कुछ टाइम बाद बिग डॉग वाले गिमिक एक बार फिर से कमबैक करती हुई नजर आएगी। अब आई नो ये जो न्यूज है काफी सारे फैंस के लिए अपसेट वाली होगी, काफी लोग चाह रहे थे भाई जो ट्राइबल चीफ वाले गिमिक है वो WWE के अंदर एक लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहती हुई नजर आए, लेकिन जब ऐसा लगा कि जो WWE वाले उनके पास कुछ और प्लान है। अब मेरे हिसाब से रोमन रेंस को एक बार फिर से पुराने गिमिक के अंदर वापस लाना WWE की यू नो थोड़ी सी बुरी डिसीजन या फिर बुरी चॉइस होने वाली है। बाकी इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है, क्या आपके हिसाब से WWE को करना चाहिए और उन्हें रोमन रेंस को बना देना चाहिए बिग डॉग एक बार फिर से। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर दो नीचे वीडियो को लाइक, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में अपना रिएक्शन अगर बिग डॉग काफी जल्दी वापस आने वाला है। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी, टिल देन बाय बाय टेक केयर।